आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। बंधुओं, मैं पूर्व के वक्ताओं का भाषण सुन रहा था, सब कुछ लगभग इन्होंने बता दिया सदस्यता अभियान के बारे में। अब ऐसा कुछ बिंदु बचा नहीं जिसमें विशेष रूप से विशेष जोर करके कुछ बोला जाए, फिर भी कुछ तो बोलना ही होगा। मेंबरशिप शुरू होने के पहले पूरे देश के पिछले में हम लोग मेंबर बनाते थे, जिसको मेंबर बनाते थे उसको शायद पता ही नहीं रहता था कि वो कांग्रेस का मेंबर है। मैंने भी एक आध दो लोगों को जो मेंबर बने थे, टेलीफोन नंबर था उनका लिखा हुआ था, फोन किया तो उन्होंने बताया कि वे कांग्रेस के मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि पूर्व से वे दूसरे पार्टी के मेंबर हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। इस बार सोनिया जी का स्पष्ट आदेश है, कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग सभी समुदाय, सभी वर्ग, सभी प्रोफेशन के लोगों के पास जाएंगे, उनके पास जाना होगा। हम अधिवक्ता साथियों के पास जाएंगे, अरुण जी हमारे साथी हैं, अधिवक्ता हैं, इन्हें को जीमा देंगे हम लोग। और ये जिनको मेंबर बनाना है अधिवक्ताओं को, वो घर घर घूम करके पूछ करके ये आपको बनाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का आप सदस्य, आप राजी हैं? अगर कहते हैं कि राजी हैं तो बना लें। मेंबरशिप का यही है कि हम पार्टी को मजबूत करें। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि गांव देहात में जाता हूं, लोग बोलते हैं कि रामेश्वर बाबू हमको कांग्रेसी जमा, पुराने जमाने के कांग्रेसी, वृद्ध व्यक्ति यही कहते हैं कि हम पुराना कांग्रेसी हैं। लेकिन आज के दिन में कोई कांग्रेसी हमारे घर में आता नहीं है, हमको पूछता नहीं हम कैसे, ये नहीं होना चाहिए। हमें करना है कि जो पुराने लोग हैं हमारे गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं उनके घर जाना होगा हमको। हमारे पार्टी में फिर आएंगे और हम पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, पहचानना है, पहचान रखना है हम लोग। तीसरा हम ये कहना चाहते हैं इस मौके पर, जहां जहां होगा सभी जगह ये बोलेंगे कि देखिए हमारे सांसद, हमारे विधायक जो भी हैं उनकी विशेष जिम्मेवारी है सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाने में। इलेक्शन के पहले आप क्या थे विधायक महोदय? कोई नहीं जानता था, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप जनता ने आपको वोट दिया और आप विधायक हैं आज के दिन में। तो आपका फर्ज बनता है इस पार्टी को आगे बढ़ाना, अभियान को आगे बढ़ाकर और अच्छे लोगों को बनाना। ऐसा नहीं कि गिनती पूरा करने के लिए हम जैसे तैसे मेंबरशिप ड्राइव को आगे बढ़ाएं और जिस किसी को मेंबर बना दें, ऐसा नहीं। अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले हम कांग्रेस पार्टी में लाएंगे, निश्चित रूप से संख्या भी रहेगी हमारे पास और अच्छे लोग भी रहेंगे, अच्छा विचार भी रहेगा। इसलिए अच्छे लोगों को लाना है। प्रणय बाबू हैं, आज हमको औचित्य बताना होगा कि आप जिला अध्यक्ष हैं तो क्यों, खाली पद लेकर के नहीं, कुर्सी लेकर के नहीं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष, आपकी जिम्मेवारी है। सबसे पहले पार्टी पूछेगी कि आपने अपने से स्वयं कितने मेंबर बनाए, घूम हो गए। ऐसा नहीं कि और लोगों को जिम्मा दे दिया और रसीद दे दिया, रसीद काट करके दिए लोग और गिनती पूरा कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। उसी तरह प्रखंड अध्यक्षों को भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप मेंबर बढ़ावें और पार्टी को आगे बढ़ावें। जिला अध्यक्ष देखे हैं, दूसरे पार्टी के लोग नाम लिख देते हैं बूथ कमेटी हम लोग, नतीजा ये होता है कि इलेक्शन के दिन आदमी नदारद हो जाता है, कोई बूथ कमेटी मिलता नहीं है। हमारे प्रेस के साथी लोग हैं वो हमको फोन करके बताते हैं फलना बूथ में हम घूम रहे हैं, आपका तो आदमी ही नहीं है को।
झंडा नहीं है, ना आदमी है, कुछ नहीं है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि हम सही बूथ कमेटी नहीं बनाते। तो जो हमारी सरकार बनी है, ये सरकार जो हम लोग यहाँ उपस्थित, एक एक कार्यकर्ता जो उपस्थित हैं, जो हमारा पार्टी का सदस्यों से हमारी पार्टी का रीढ़ है, पार्टी को आगे ले चलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक एक कार्यकर्ता और एक एक सदस्य की अति आवश्यकता होती है। हम लोग सभी जानते हैं, अगर पार्टी में समर्पित समर्पण का भावना रहेगा तो पार्टी बहुत मजबूत और सुसज्जित रहेगा। हम लोग सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी, हम लोग 70 साल हो गया, फिर भी हमारे कांग्रेस पार्टी के चंबा और मजबूत कार्यकर्ताओं के समर्पण के चलते हमारा कांग्रेस पार्टी आज भी जिंदा है। मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में अभी एक नई पीढ़ी का शुरुआत हो रही है, एक नया युग आ रहा है। तो इस युग में हम सब, हमको प्रयास करना है कि हम लोग को कुछ नए युग के हमारे सदस्यों को हम लोग शामिल करेंगे और नए युग के हमारे कुछ सदस्य जो हमारे साथ चलेंगे कदम से कदम मिलाकर, इनको हम लोग अपने नीति और अपने विचार धारण स्वागत कराएंगे और हम लोग उन कार्यकर्ताओं को, उन सदस्यों को एक नेतृत्व का जो पार्ट है हमारा कांग्रेस पार्टी में, इनको हम लोग बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। बैठा है मेरे साथ जिनके हाथों में इतनी ताकत दी आपने, किस एकीकृत बिहार हो या 19 वर्षों का झारखंड हो, यह पहला मौका है जब झारखंड का बजट पेश करने का गौरव आपको मिला है डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के माध्यम से। किसी भी राज्य और प्रदेश का बजट उसका आईन होता है, चेहरा होता है। एक साल तक हम क्या करने वाले हैं, और इसलिए सोनिया जी, राहुल जी ने मेंबरशिप आह्वान किया। 3 करोड़ सदस्य पिछले बार थे, इस बार सोनिया जी और राहुल जी ने केसरी वेणुगोपाल जी को 5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। पुराने तो हमारे हैं, लेकिन नए 5 करोड़ सदस्यों को बनाना है। आप अगर देखेंगे तो NSUI, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, इंटक, OBC, अल्पसंख्यक सब ने 25-25 लोगों का बूथ में कमेटी बना दिया। हम सफल हो जाएंगे। हमें क्वालिटी चाहिए। अभी आपका वक्त है, सरकार में है, आप बनाना है लोगों को, कांग्रेस पार्टी में शामिल करना है। लेकिन एक चीज याद रखिए, आपने रांची में फैसला लिया था, याद होगा आपको, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान जिसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, हमारे कांग्रेस प्रत्याशी के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ा है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर कांग्रेस का कार्यकर्ता 6 साल तक पार्टी में स्वीकार नहीं करेगा। हम उसको मानने को तैयार नहीं है। एक एक व्यक्ति याद है कि कांग्रेस पार्टी ने 2014 के सुनामी लहर में सिर्फ 6,500 मतों से हम यहां चुनाव हारे थे, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की विचारधारा, संविधान और कांग्रेस की नीतियां गांव तक चलती रही। लोग कह रहे हैं कि सदस्यता में हमको क्रियाशील मेंबर, अभी कोई क्रियाशील नहीं बनाना, सीधा बूथों पर आपको सदस्य बनाना है। 15 लाख को साधारण टारगेट दिया है आदरणीय अध्यक्ष जी ने, लेकिन गुमला अगर मेजबानी कर रहा है दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का, तो मैं निवेदन करूंगा
गीता श्री उराव जी से, बैरागी उराव जी से, रोशन बरुआ जी से कि ये दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल से 5 लाख नए सदस्य आपको बनाने पड़ेंगे। मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, और दूसरी तरफ अजान होती है और दरू शरीफ की गूंज सुनाई पड़ती है, अल्लाहु मसले अला सैयना सफीना नबीना हबीना मौलाना मुहम्मद वारिस मुसल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमारी भारत की संस्कृति है गंगा जमनी तहजीब का, इसको लेकर के आपको सदस्य बनाने के लिए जाना। 28 तारीख को उड़ीसा में एक बहुत बड़ी गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी ने बैठक बुलाई थी, जिसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, बंगाल के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, आपके भी नेता उस बैठक में रामेश्वर उरांव जी को भी जाने का मौका मिला था। माननीय गृह मंत्री जी के सामने इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, जो प्रतिनिधित्व किया झारखंड का, क्योंकि काबिल भी तो होना चाहिए के आदिवासियों का, आपको प्लान, आपको अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा जो आपने बंद करके रखा हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया कि हम झारखंड के नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए आदिवासियों के लिए पैसा देंगे। प्रावधान किया कि बजट में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 वर्षों में सब प्लान का पैसा, आदिवासियों के डेवलपमेंट का पैसा जिसको डाइवर्ट करने का काम किया, वो पैसा अब डाइवर्ट नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया है आपके माननीय वित्त मंत्री जी ने। बूथ स्तर पर हम जब अपना बनाएंगे तो बोलना पड़ेगा किस तरह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक माहौल बनाया, और हम तो श्वेत पत्र जारी करने वाले हैं माननीय रघुवर दास जी, और आपके प्रदेश के कई बड़े अधिकारी, गुमला के भी लोग शामिल है, गुमला और रोहतक के भी लोग निशाने पर है, किस तरह आपने अकूत संपत्ति अर्जित किया और झारखंड के भोले भाले आदिवासियों का ये पैसा लेकर चला गया। अभी हाथ पकड़ के चलने का वक्त है, आज लोहरदगा आए हैं, कल गुमला आएंगे, आपकी आपकी जो भाईचारगी है उसके ऊपर बड़ा प्रहार करेंगे। अभी बहुत यात्रा निकलेगा, 5 साल नहीं निकलेगी, गाय यात्रा, गोबर यात्रा, जल यात्रा, भूमि यात्रा, काली यात्रा, पीली यात्रा, सेना यात्रा, न जाने कितनी यात्राएं अभी ये निकालेगा। लेकिन आपको धैर्य से, संयम से गठबंधन की सरकार और एक एक विधान जो जीत के आए हैं उनको कहा गया है अपना विधानसभा और एक बगल के विधानसभा को गोद लीजिए, महकावे में नहीं आना, ये पूरा इलाका रामेश्वर उरांव का इलाका है, और ये इसलिए है कि आपकी ताकत से इलाका बना है। जब बूथ पर आप अपनी ताकत इकट्ठा कर लेंगे, हम जैसे लोग भी इनके पीछे और इनके नेतृत्व में चलने को तैयार है। सोनिया जी, राहुल जी ने कहा ये मेंबरशिप खाली नहीं है, ये तो हमारे संगठन चलाने का आय का स्रोत है, 5 रुपया। रमेश्वर उरांव जी के नेतृत्व में बाकी सारे हमारे कर्मठ साथियों को मैं कोलीपिरा विधानसभा की तरफ से और सिमडेगा जिला की तरफ से जोहार करता हूं। जोहार। आज झारखंड के लिए गौरव की बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को आजादी दिलाने के लिए, शोषण और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए, और हमारे देश के अंदर जितने भी कुरीतियां हैं उन्हें खत्म करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, स्थापना हुई थी, और कांग्रेस पार्टी यह सोच हमेशा से रही है कि ये पार्टी शासन करने के लिए नहीं, सत्ता में आने के लिए नहीं, वरन इस देश की मजबूती के लिए, इस देश में असमानता को खत्म करने के लिए, और इस देश में सबों की सेवा करने के उद्देश्य से गठन किया गया था। और
हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में इस काम को बहुत ईमानदारी से किया और इसके बदले पूरी जनता ने राज समेत पूरे केंद्र में सत्ता पर सेवा करने के लिए अवसर दिया और आज उस अवसर का यह परिणाम है कि जिस देश में एक सुई बनने का कारखाना भी नहीं था, आज हमारे देश में हर चीज खुद बनाने में हम सक्षम है।